Hello everyone, welcome back to ASR the Expert and wish you a very happy new year. उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा बीते, हम बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट करें, वाइज डिसीजन के साथ में लाइफ को और सुनहरा बनाएं और 2020 के साथ में 2020 की तरह हमारी लाइफ के गोल्स जल्दी अचीव हों, फास्ट अचीव हों। और उसी में कंटिन्यू करते हुए आज की वीडियो हम कवर करने वाले हैं टॉप 5 लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स, मीन्स वो म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे जो पोर्टफोलियो होगा वो लार्ज कैप और मिड कैप का मिक्सर होता है। हाँ, ये मल्टी कैप से अलग है क्योंकि मल्टी कैप में डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स को पिक करा जाता है, जहां पे वेरियस टाइप के आपके सिनारियो हो सकते हैं, जहां पे स्मॉल कैप को एक अच्छी खासी वेटेज मिल सकती है, लार्ज कैप को भी मिलेगी, मिड कैप को भी मिलेगी, तो एक अच्छा मिक्सर बनाया जाता है वहां पे और उसका एक अपना एक पर्टिकुलर पैटर्न रहता है। जबकि लार्ज एंड मिड कैप के अंदर में क्या होता है कि आपका जो मेजरली जो इन्वेस्टमेंट होती है वो लार्ज कैप के अंदर होती है और फिर सेकंड जो इन्वेस्टमेंट होती है वो मिड कैप के अंदर होती है और बहुत ही इनसिग्निफिकेंट पोर्शन में स्मॉल कैप के अंदर भी इन्वेस्टमेंट करी जाती है, लेकिन लार्ज एंड मिड कैप आपकी मेजर कैटेगरी होती है। और यहाँ पे क्या होता है, जनरली आपको क्या बताया जाता है कि लार्ज कैप जो होते हैं वो बिल्कुल सेफ होते हैं और जो चीज इतनी ज्यादा सेफ होएगी वहां पे आपको रिटर्न्स के चांसेस थोड़े से लिमिटेड हो जाते हैं। हालांकि रिटर्न्स अच्छी मिलती है लेकिन उसमें ग्रोथ अपॉर्चुनिटी थोड़ी लिमिटेड रहती है, जबकि मिड कैप थोड़े ज्यादा वल्नरेबल रहते हैं, जहाँ पे रिस्क थोड़े से ज्यादा रहते हैं कंपेरेटिव टू लार्ज कैप, और सेम तरीके से उसमें आपको अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी ज्यादा रहती है। सेम तरीके से अगर आप फर्दर जाते हैं कि जो स्मॉल कैप होते हैं वहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होता है और अर्न करने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल कैप की कैटेगरी बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल होती है, वहाँ पे रिस्क जनरली ज़्यादा ही मिलता है रिटर्न्स के कंपेरेटिवली, क्योंकि जितने ज़्यादा चीज़ों के ऊपर हमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको नेट रिजल्ट जनरली नेगेटिव मिलता है। तो इसीलिए ये जो कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप की बहुत ही ज़्यादा अच्छी कैटेगरी है, क्योंकि लार्ज कैप के थ्रू आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है सिक्योरिटी की, ग्रोथ की, और साथ में मिड कैप जनरली जो ग्रो करके नेक्स्ट लेवल पे होते हैं लार्ज कैप बनने के लिए, तो वहां पे भी इन्वेस्टमेंट आपको मोर और लेस सिक्योर साइड में मिलती है और हालांकि आपको इन्वेस्टमेंट में अर्निंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है। इन चीजों का ध्यान रखते हुए हम वीडियो बनाते हैं और आज हम कवर करेंगे टॉप 5 फंड्स लार्ज एंड मिड कैप के। और वीडियो को शुरू करने से पहले फिर दोबारा से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, इससे एनकरेजमेंट मिलती है मेरे को और आप भी कोई वीडियो को मिस नहीं करते हैं, और एक लिंक बना रहता है हमारे बीच में आपस में और आपके सजेशंस के थ्रू हम आपस में अच्छा काम करने की भी सजेशन मिलती है और साथ में आपके क्वेश्चंस को आंसर करने का मौका मिल पाता है मेरे को और उसमें काफी मजा आता है, एक्साइटमेंट बनी रहती है। अब मैं आपको एक छोटा सा टिप देने की कोशिश करूंगा जिसमें मैं बताना चाहूंगा कि देखिए म्यूचुअल फंड को हम स्टॉक मार्केट के कंपेरेटिवली ज्यादा क्यों सजेस्ट करते हैं या किसी को क्यों करना चाहिए। इसका एक बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है कि स्टॉक मार्केट के अंदर में नंबर ऑफ जो म्यूचुअल स्टॉक्स अवेलेबल रहते हैं वो बहुत बड़ी वैरायटी है, हजारों की क्वांटिटी में स्टॉक्स अवेलेबल हैं। हमारे को इतना डीप एनालिसिस करने का मौका नहीं मिल पाता है, हर एक को इतनी डीप नॉलेज नहीं होती है और ये जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी हद तक सटोरियों की तरह काम करती है, एक छोटी सी न्यूज़ की स्पेकुलेशन के बेस पे स्टॉक का प्राइस एक सेकंड में बिल्कुल अप चले जाता है और थोड़े टाइम के अंदर में एक बैड न्यूज़ के साथ में बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि एक आम इन्वेस्टर्स जिसके पास में बहुत ही लिमिटेड नॉलेज होती है, मार्केट में दिन भर नहीं बैठा रह सकता, हर छोटी बड़ी खबर के अकॉर्डिंगली काम नहीं कर सकता, वो जनरली ये पैसा लुटवा के ही आता है, मतलब उसको जनरली नेगेटिव रिटर्न ही मिलती है अनलेस अनटिल आप बहुत ही सेफ खेल के चल रहे हो। अगर आप बहुत अच्छे से भी इन्वेस्टमेंट करते हैं, गिने चुने लार्ज कैप कंपनीज के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं, ब्रांडेड कंपनी मतलब मार्केट लीडर्स के अंदर में ही काम करते हैं, तो आपको जो रिटर्न्स मिलती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम अगर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, तो आप 10-20% के बीच में रिटर्न्स कमा पाते हैं और उसी तरह से इतना सारा रिस्क भी आपके संग में इन्वॉल्व रहता है। जबकि म्यूचुअल फंड के अंदर में आप बिल्कुल रिलैक्स होके SIP मोड के साथ में भी इन्वेस्टमेंट करते हुए और बैक सीट लेके बिना मार्केट के उतार चढ़ाव का ध्यान रखे हुए
इस तरीके के रिटर्न्स को कमा सकते हैं इजीली, क्योंकि जो आपके फंड्स को मैनेज करने वाले लोग होते हैं वो एक एक्सपर्ट होते हैं, और एक्सपर्ट नॉलेज की वजह से वो मार्केट में जो भी सिनारियों में अप एंड डाउन होता है उसके अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते रहते हैं, ताकि आप एक गुड रिटर्न पा सकें। आप सिंपली समझिए कि आप अपने 50,000 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 15 लाख रुपए लगा के अपनी नॉलेज के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं, और एक इंसान जिसके पास में 5,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए हो, तो उसकी नॉलेज किस लेवल पे होगी और उसकी सेल एंड परचेज की वजह से वो मार्केट को कितना कंट्रोल कर सकता होगा, उससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ। अब आप सीधा आते हैं म्यूचुअल फंड्स के ऊपर में, कौन से म्यूचुअल फंड्स हैं जो और इस समय एक्साइटिंग है 2020 में लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के अंदर में। तो सबसे पहला है मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डायरेक्ट प्लान। ये एक लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में रैंक 1 फंड है। इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है क्राइसिल की तरफ से। क्राइसिल की रेटिंग काफी ही वैलिड रहती है, काफी मान्य है, जिसको आप ध्यान दे सकते हैं, क्रेडिबल बोल सकते हैं। और इसके एक्सपेंस रेशो अगर देखेंगे तो अपनी कैटेगरी के अंदर में सबसे कम है, 0.83% की ये एक्सपेंस रेशो है। मतलब 1% से भी कम की एक्सपेंस रेशो में ये म्यूचुअल फंड काम कर रहा है। इसके एनएवी आज की तारीख में 62.26% की है। सीधा इसके एसेट मैनेजमेंट वैल्यू के बारे में बताऊं तो 9,229 करोड़, बहुत बढ़िया अमाउंट का म्यूचुअल फंड है। इसके ऊपर बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट करा हुआ है, और उसी का रिजल्ट है कि अगर इसकी जो टीम है बहुत एक्साइटिंग है, बहुत अच्छे तरह से काम कर रही है, और 1 साल के अंदर जो रिटर्न दी है इसने 19% की रिटर्न दी है, 3 साल के अंदर 19% की रिटर्न, 5 साल के अंदर 17% की रिटर्न, 5 साल की कैटेगरी में अक्रॉस म्यूचुअल फंड्स, अक्रॉस ऑल कैटेगरी, सब तरीके की कैटेगरी को कवर कर लीजिए, सब तरीके के म्यूचुअल फंड को कवर कर दीजिए, इससे ज्यादा रिटर्न किसी की नहीं है। इसने एब्सोल्यूटली फिनोमिनल काम करा है, 19%, 19%, 17% आप समझ सकते हैं किस अच्छी तरह से काम कर रहा है। बस इस तरीके के लार्ज एंड मिड कैप फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो एक ही छोटी सी चीज का ध्यान रखें कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट होराइजन है वो 3 से 5 साल का दें। इसको ग्रो करने में टाइम लगता है, बहुत अच्छे से काम करते हैं, क्योंकि देखिए जो बड़ी चीज होती है ना उसके अंदर जो मूवमेंट होती है वो स्लो होती है, और जो छोटी चीजें होती हैं उनके अंदर में मूवमेंट फास्ट होती है, इसलिए आपको और लॉस ज्यादा हो पाता है, क्योंकि आपको रिकवर करने का मौका नहीं मिल पाता जैसे स्मॉल कैप के अंदर होता है। जब आप लार्ज एंड मिड कैप के अंदर लगाएंगे तो इसमें मूवमेंट स्लो होगी लेकिन बहुत मीठी होती है। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल है, अगर आप एक पीसी ज्वेलर के फंड पे अगर पैसा लगाते थे तो आपने देखा होगा उसका स्टॉक्स कैसे भागता था। लास्ट कुछ टाइम पहले ही वो 170 150 के अराउंड के रेट पे चल रहा था, आज वो 20-25 रुपए पे मरा पड़ा है, इस तरह से भागता है। जबकि रिलायंस को देखोगे बहुत ही स्लोली और कंटिन्यूसली ग्रो करता है, धीरे धीरे धीरे, मतलब हाथी जब चलता है पता भी नहीं चलता, और लॉन्ग टर्म में जाके काम करता है और लॉन्ग डिस्टेंस को कवर करता है। इस चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब इसके अंदर मैं बताऊं कि इसका एसेट एलोकेशन किस तरीके से है पोर्टफोलियो के अंदर में। इन्होंने क्या करा, लार्ज कैप के अंदर में 46% की इन्वेस्टमेंट रख रखी है, मिड कैप के फंड में 36% की, और लगभग 12% की स्मॉल कैप में भी लगाई है, लेकिन बहुत ही स्मार्ट तरह से इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिसमें लार्ज एंड मिड कैप आपका बहुत ही मेजर पोर्शन को कवर करते हैं, बहुत क्वालिटी स्टॉक्स पे लगा रखा है। तो मेरा ही एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड डेफिनेटली एक चॉइस है जहां पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है रैंक 2 में जो मैं देखता हूँ, इन्वेस्टको इंडिया का ग्रोथ अपॉर्चुनिटी फंड है, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ प्लान के बारे में मैं हमेशा बात करता हूँ। यहाँ पे अगर एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो 1.06 की एक्सपेंसेस है, ये भी 5 स्टार रेटेड फंड है, 5 स्टार रेटेड फंड पे ही लगाएं, रेटिंग्स को मॉनिटर करते रहें, अपने रिटर्न्स अपने टारगेट के अकॉर्डिंगली देखें, और उसके हिसाब से अपने म्यूचुअल फंड को आप स्विच एंड कंटिन्यू कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, उस पर ध्यान रखा करें। जो एनएवी है इसमें 40.45 की है, मतलब 40 के अराउंड की इसके एनएवी चल रही है, और आपके एसेट मैनेजमेंट वैल्यू इसमें 2,107 करोड़ की है, ये भी बहुत अच्छी वैल्यू है, सेकंड नंबर पे हाईएस्ट है इसका एसेट मैनेजमेंट वैल्यू में। 1 साल की रिटर्न 14%, 3 साल की 17%, और 5 साल के अंदर 12% की रिटर्न है, बहुत अच्छी रिटर्न दी है इसने कंसिस्टेंटली। ए और एक बहुत अच्छे म्यूचुअल फंड ब्रांड से आता है ये, इन्वेस्को के अंदर में से,
इसके अंदर में अगर देखें पोर्टफोलियो के अंदर, लार्ज कैप के अंदर 50% इसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 32% मिड कैप के अंदर में, और बहुत ही छोटी अमाउंट 4% स्मॉल कैप के अंदर लगा रखा है। तो इनकी अगर देखें तो लार्ज कैप को हर कोई बहुत अच्छी वेटेज देता है, क्योंकि आपको सिक्योरिटी प्लस सिक्योर रिटर्न्स को प्रोवाइड कराता है और मार्केट वॉलेटिलिटी से बचाता है। अब आती है बात टाटा के, जो थर्ड नंबर में फंड है टाटा लार्ज एंड मिड कैप फंड, डायरेक्ट प्लान एप्रिसिएशन प्लान के अंदर में आएगा ये। इसके एक्सपेंसेस देखोगे बहुत हायर साइड पे है, 1.24%, बहुत ज्यादा नहीं है कंपेरेटिव टू डिफरेंट कैटेगरी ऑफ म्यूचुअल फंड, पर इस कैटेगरी में जो आपको रैंक वन वाला दे रहा है 0.83, उसके कंपेरेटिवली 1.24% अप्रोक्सीमेटली 0.60% के अराउंड में ज्यादा है। यहाँ पे 4 स्टार रेटेड फंड में गिना जाएगा। इसकी एसेट मैनेजमेंट वैल्यू भी कम है, 240 करोड़ रुपीज का है, 240 करोड़ रुपए का फंड, सॉरी 1541 करोड़ रुपए के फंड है। तो 1541 करोड़ और 9000 करोड़ के अंदर में जब आप डिफरेंस देखते हैं, तो उसी की वजह से आपकी एसेट वैल्यू में वो एक्सपेंस रेशो के ऊपर में असर आता है, क्योंकि फिक्स चार्जेस हैं, जितने ज्यादा लोग इन्वेस्टेड रहेंगे फिक्स चार्जेस उस हिसाब से कम होते जाएंगे। 240 की एनएवी चल रही है इसकी, 1 साल की रिटर्न 17% बहुत अच्छी है, 3 साल में 14%, 5 साल में 11% की रिटर्न है, कंसिस्टेंट है, 10% से ऊपर कोई भी चीज अगर आपको रिटर्न देती है तो आप उसको बहुत अच्छा मान सकते हैं। 48% लार्ज कैप में इन्वेस्टेड है, 35% स्मॉल कैप में, और लगभग लगभग 2% इसका स्मॉल कैप के अंदर लगा रखा है। लार्ज एंड मिड कैप के अंदर में प्योर इन्वेस्टमेंट करी हुई है, जिसकी वजह से आपको ये कंसिस्टेंट रिटर्न दे पा रहा है। फोर्थ नंबर पे है एडलविस का लार्ज एंड मिड कैप फंड, डायरेक्ट प्लान के अंदर में ही बात कर रहे हैं, ये भी 4 स्टार रेटेड फंड है। इसकी एक्सपेंसेस भी बहुत अच्छी है, 0.92% के अराउंड में एक्सपेंसेस रखी हुई है। एनएवी 36 की चल रही है, 479 मतलब 490 करोड़ के अराउंड की इसकी एसेट मैनेजमेंट वैल्यू, एसेट अंडर मैनेजमेंट। 1 साल की जो इसकी वैल्यू है रिटर्न है 14%, 3 साल की 16% और 5 साल की 10% की रिटर्न दी है इसने। लार्ज कैप फंड में इसने 52% लगाया, सबसे हाईएस्ट है अपनी कैटेगरी में जो इसने लार्ज कैप में लगा रखा है। मिड कैप के अंदर 31% और लगभग 3% स्मॉल कैप के अंदर में। तो यहाँ भी देखेंगे लार्ज कैप को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है, इसी वजह से ये 4 स्टार रेटेड फंड है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसने मार्केट के उतार चढ़ाव में अच्छा काम करा है, इसको डेफिनेटली आप लुक आफ्टर कर सकते हैं। फिफ्थ नंबर पे आता है सुंदरम का लार्ज एंड मिड कैप फंड, डायरेक्ट प्लान के अंदर में बात होती है, 1.24% की इसकी एक्सपेंसेस हुए, एग्जैक्टली सेम जो टाटा लार्ज एंड मिड कैप के अंदर में थी आपकी। 4 स्टार रेटेड फंड है ये भी, 39 की एनएवी चल रही है इसके अंदर में, 953 करोड़ रुपए का फंड है ये, एसेट मैनेजमेंट वैल्यू है। 1 साल की रिटर्न 14%, 3 साल की 16% और 5 साल की 12% के रिटर्न है। लार्ज कैप के अंदर 50%, मिड कैप के अंदर 36% और स्मॉल कैप के अंदर 2% की रिटर्न, 2% की पोर्टफोलियो में लगा रखा है। इस तरह से ये टॉप 5 फंड थे, मिराई एसेट मैनेजमेंट, एसेट एमर्जिंग ब्लू चिप फंड रैंक 1, इन्वेस्को इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटी रैंक 2, दोनों 5 स्टार रेटेड फंड है, आप एक एंड चूज कर सकते हैं। टाटा लार्ज एंड मिड कैप रैंक 3, एडलविस लार्ज एंड मिड कैप रैंक 4 और सुंदरम लार्ज एंड मिड कैप फंड आपका रैंक 5। ये टॉप 5 फंड है, 5 एंड 4 स्टार रेटेड फंड है। कभी भी आप म्यूचुअल फंड में लगाएं तो 5 स्टार या 4 स्टार से कम पे ना लगाएं। जनरली कोई भी अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहता है तो 4 या 5 से ज्यादा म्यूचुअल फंड नहीं लेता। तो जब भी आप म्यूचुअल फंड ले तो डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर में कवर करने की कोशिश करें, 5 स्टार रेटेड फंड पे ही लगाएं। अगर उनकी रेटिंग को खराब भी होना होगा, 5 से अगर नीचे भी आएगी तो 4 या 3 पे काम करेगी, ये तब तक आपके पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है उसको लुक आफ्टर करने की। स्विच कर सकते हैं आप डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड के अंदर में, स्टॉप कर सकते हैं म्यूचुअल फंड को, पार्सली विड्रॉ कर सकते हैं, टोटली विड्रॉ कर सकते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके पास अवेलेबल रहते हैं। कई लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में अगर एक बार इन्वेस्टेड कर दिया तो हम उसको कंटिन्यू करना पड़ेगा लाइफ टाइम में, जब तक 10 साल 15 साल ना चले। पर आप इस चीज को ध्यान रखें कि अगर कोई म्यूचुअल फंड अगर आपको पॉजिटिव रिटर्न्स नहीं दे रहा है 2 साल कंसिस्टेंटली, तो आप उसमें डेफिनेटली स्विच करें, आगे मूव करें, उसके पोर्टफोलियो को स्टडी करें, और जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं उनका भी ध्यान रखें, क्योंकि म्यूचुअल फंड के मैनेजर के चेंज होने की वजह से भी आपकी रिटर्न प्रोफाइल के ऊपर में बहुत असर पड़ता है।
उम्मीद करता हूँ मैंने ज्यादातर पॉइंट्स को कवर करा होगा आपके मिड लार्ज एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड्स के बारे में है। और इसमें से अगर आप मेरी पर्सनल लेवल पे चॉइस पूछना चाहेंगे तो मैं मिराई एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड को ही रेकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है और मैं इसको काफी हद तक खरा मानता हूँ कंपेरेटिवली, क्योंकि एक अच्छी प्रोफाइल है इसकी, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में इसने अच्छी जगहों पे इन्वेस्ट